हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि गेट ऑपरेशन या गेट एंट्री जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ये कस्टमाइज थिंग्स है, इसको अलग से बना के इसे सैप बिजनेस वन में टाई अप किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जब आप गेट ऑपरेशन खोलें ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें प्री स्टेटस दिखाता है। ओपन स्टेटस, ओ स्टैंड फॉर ओपन, कैंसिल, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो यस हो जाएगा, वाई एंड यदि नहीं तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब गेट पास टाइप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो टाइप में क्या होगा, जी आई स्टैंड फॉर गेट इन, जी ओ स्टैंड फॉर गेट आउट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका गेट पास टाइप की जो मटेरियल जो आया है वो किस बेस पे आया है, परचे ऑर्डर के बेस पे आया है या कोई और इस है तो उसके बेस पे आया है, तो वो चीज़ें हमें सेलेक्ट करना है। देन बीपी कोड कि जो भी बिजनेस पार्टनर है उसका किसका ये मटेरियल आया है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, एफएमएस लगा हुआ है तो सारे बिजनेस पार्टनर आपको दिख जाएंगे। इसमें से उस बिजनेस पार्टनर को, सप्लायर को सेलेक्ट करना है जिसकी मटेरियल आया है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब बता देगा टाइप क्या है, सप्लायर है या उसमें किस तरह के है, कस्टमर है। उसके बाद रेफरेंस डॉक नंबर अपने आप ये उठा के लाएगा, देन उसके रेफरेंस डॉक नंबर एंड रेफरेंस डॉक डेट्स एवरीथिंग अपने आप आएगा। आपको बस सिंगल क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर डालना, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट आप डालेंगे तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ठीक है। देन आप बीपी इनवॉइस नंबर डालिए, ये भी ऑप्शनल है, बीपी इनवॉइस नंबर, बीपी इनवॉइस डेट, जो भी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में रखनी हो सारी चीज़ें आप इसमें फिट कर दीजिए। डालने के बाद ईबे बिल नंबर, गेट पर्सन नंबर कि कौन पर्सन है जो गेट पे है, ये सारी डिटेल डालने, डिपार्टमेंट मेड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, ब्रांच क्या है, ब्रांच नेम, ये भी आपका एफएमएस लगा हुआ है। आप जब क्लिक करेंगे तो ब्रांच सारे दिख जाएंगे, उसमें से जिस ब्रांच का ये मटेरियल है आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लिए, ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आएगा। ट्रैक टाइम इन कितने बजे हुआ है, ट्रक का टाइम आउट कितने बजे हुआ है, ऑपरेशन, जीआर डेट, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें हमने बना रखा है, कस्टमाइज कर रखा है, जो एक गेट एंट्री में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसको आप, हमने ऑटो बना रखा है, सिंगल क्लिक करनी है और आपको सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे देखिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम डाल रहे हैं रोड, डिपार्टमेंट हमने डाल दिया, परचेज, क्योंकि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, मटेरियल आउटसाइड से आ रहा है परचेज ऑर्डर के बेस पे, अभी रिटर्न हुआ नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। ब्रांच नेम, तो आप यहाँ पे पहले ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तब ब्रांच नेम आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नीचे ऊपर जो ब्रांच है उस पे जाके क्लिक करनी है, आपको सारे ब्रांच दिख जाएंगे। अब इसमें से जो भी ब्रांच, जिस ब्रांच का है मटेरियल, आप उसे चूज कर लीजिए, देन ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ गया। जो टाइम है, जिस टाइम पे आपका ट्रक इन किया मटेरियल का, वो टाइम आप डाल दीजिए। यहाँ पे आके रेफरेंस डॉक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो ऊपर रेफरेंस डॉक है वही आएगा, रेफरेंस डॉक डेट आएगा, उस पे जो आइटम है वो ऑटोमेटिकली लाइन वाइज आएगा, ये सारे अपने आप आएंगे, आपको कुछ नहीं करनी है, सिंगल क्लिक करनी है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे डालने की कितना क्वांटिटी आपका रिसीव हुआ, ऑर्डर से कितने क्वांटिटी, जो पीओ ऑर्डर क्वांटिटी है आप यहाँ पे देखिए दिखा रहा है वन, तो इसमें से कितने क्वांटिटी आपने रिसीव कर ली है, ठीक है। तो इतने वन क्वांटिटी है, रिसीव क्वांटिटी सब आपको मैनुअली डालनी है कि कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव किया, एंड देन आपको उसका रेट डाल देना है कि जो आइटम है उसकी रेट क्या है। हम लोग यहाँ पे थे, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, क्वांटिटी डाल दिया, रिसीव क्वांटिटी डाल दिया, जो भी आइटम रेट होगा आप